गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने रीड कर लिया था, ये था ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। बर्ड मीनिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चूज द राइट आंसर। फर्स्ट है आपका ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड, यानी कि चैप्टर में जो हम लोगों ने लाइन रीड की है उसमें क्या था, जो सारी चीज़ें वो क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं यानी कि सुंदर हैं। तो हम यहाँ ब्यूटीफुल पर टिक करेंगे, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। सेकंड है आपका द लॉर्ड गॉड मेड देम, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो किस सारी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, कुछ चीज़ें बनाई हैं तो ऑल पर टिक करेंगे, कुछ नहीं बनाई हैं, बहुत सी बनाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गॉड मेड द विंग्स ऑफ, यानी कि भगवान ने पंख किसको दिए हैं, बर्ड्स को दिए हैं या फ्लावर्स को दिए हैं। बर्ड्स यानी कि पक्षी, पक्षियों को दिए हैं। ऑल थिंग्स आर राइस बाइस एंड ब्यूटीफुल, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं कैसी हैं, बाइस यानी कि बुद्धिमान और वंडरफुल हैं, यानी कि राइस नहीं है बाइस आएगा, WISE वाइज, बुद्धिमान है और आश्चर्यजनक है। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। फर्स्ट ईच लिटिल ब्लैंक दैट ओपन्स, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, फ्लावर्स यानी कि प्रत्येक फूल खिलता है। जब हमने चैप्टर रीड किया था तो उसमें क्या था, फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स। ईच लिटिल बर्ड दैट यानी कि प्रत्येक चिड़ी, छोटी चिड़िया सिंग्स यानी कि गाती है, SINGS सिंग्स, प्रत्येक छोटी चिड़िया गाती है। ही मेड दे आर ग्लोइंग, यानी कि भगवान ने उनको क्या दिए, कलर्स दिए हैं, किनको, बर्ड्स को, COLOURS कलर्स। देखेंगे लास्ट, ही मेड देयर टिनी विंग्स, यानी भगवान ने उनको क्या दिए, टिनी यानी कि छोटे छोटे विंग्स यानी कि पंख, छोटे छोटे पंख दिए। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है। सी आंसर, सॉरी ये हो गया था, क्वेश्चन आंसर थे आपके इसमें, वो आपके करा दिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब डी देखते हैं, क्रॉस द थिंग्स दैट आर मेन मेड, क्रॉस करना है उन चीज़ों पर जो मेन मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए। इन पिक्चर्स को देखेंगे फिर देखेंगे क्रॉस किस पर करेंगे, कौन सी चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। फर्स्ट पिक्चर है हमारी माउंटेन यानी कि पर्वत, ये हमारे मेन मेड नहीं है, ये हमारे नेचुरल हैं। सेकेंड है कार है जो हमारी मेन मेड है यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई, इस पर हम क्रॉस करेंगे। ये हमारा टेबल है हमारी, ये मैन मेड है, इस पर क्रॉस करेंगे। फोर है आपका फ्लावर, ये भी हमारा नेचुरल है। ये है हाउस, ये हमारा मेन मेड है, ये भी मनुष्य द्वारा बनाया गया। ये ट्री है, ये भी हमारा नेचुरल है। ठीक है, ये हमारी तीन चीज़ें हैं जो हमारी मेन मेड यानी कि भगवान द्वारा, सॉरी मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। इस तरीके से हम चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन आंसर आप लोग फेयर कॉपी में कर्सिव राइटिंग में अच्छे से कर लेना और उनको लर्न कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।